वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आप लोगों के साथ आज एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बाम्बू चारकोल पील ऑफ मास्क की। इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जिसके यार ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं और रिंकल्स होते हैं, तो वो इसी के लिए यूज होता है। और वैसे भी ये बहुत कॉमन सी चीजें सबको होती ही है। इसको यूज कैसे करना है इसका, और इसमें क्या क्या यूज हुआ है, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, ये इसमें बता दिए गए हैं। और मतलब कैसे कैसे यूज करना है ये भी बताया है। बट अगर फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें, जैसे पहला तो स्टीम ले लेना। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप गर्म पानी से भाप ले सकते हैं अपने चेहरे पे। और सेकंड, इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करें। अगर वैसे तो आप ब्रश, अगर ब्रश है तो ब्रश से कर लीजिए, बट ब्रश से ठीक से होता नहीं है। हाथ से आप अपने अच्छे से फिंगर की मदद से आप अच्छे से इसको वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देन उसको 20 से 25 मिनट सूखने दें। एंड उसके बाद से आप उसको निकाल लें। एकदम इजीली तरह से निकल जाएगा। कभी भी नीचे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, ये सही तरीका रहता है चारकोल पील ऑफ मास्क को निकालने का। और इसको उसके निकाल लेने के बाद, और बहुत तो स्किन सॉफ्ट सी हो जाती है ये लगा लेने के बाद से। आप अपने चेहरे को पहले की तरह मतलब एकदम सॉफ्ट नाइस, ये बहुत अच्छी वाली स्किन लगती है यार। मैं आप लोगों को बताऊं कैसे, तो ये आप लोग खुद ट्राई करके देख सकते हैं। तो जैसे कि ये मैंने इसके बाद लगा, निकाल लेने के बाद आप अपने चेहरे को अच्छे से धो लें और फिर आप अपने चेहरे को फील करिएगा कि किस तरह से लगती है और कैसा लगता है। तो यही आप कैसे कैसे मैंने इसे यूज किया है, इस पूरे वीडियो में मैंने दिखाया है। यार लोग कहते हैं कि बहुत पेनफुल होता है ना, आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पेनफुल होता भी है या नहीं। होता चेहरे को बहुत ही लाइट एंड ब्राइटन कर देगा, बहुत अच्छा स्किन हो जाता है, बहुत सॉफ्टली एकदम मस्त लगता है। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। ओके, तो गाइज चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके हे गाइस, जैसे कि मैं गर्म पानी करके आ चुकी हूँ, तो अपने चेहरे को मैं स्टीम ले लूँगी रूमाल की मदद से। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर से भी ये स्टीम ले सकते हैं। तो एकदम सॉफ्ट हाथों से आप स्टीम ले, मतलब पूरे चेहरे पे फिरा लें। एंड देन आप उसके बाद चारकोल मार्क्स अपने चेहरे पे हाथों से अप्लाई करें। अगर आप अपने फिंगर की मदद से अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से वो अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, मेरे चेहरे का पूरा मास्क जो है वो आराम से सूख चुका है, आप भी देख रहे हैं।
और इसको आप नीचे की तरफ से निकालिए एकदम सॉफ्ट, मतलब धीरे धीरे निकालिए, हर एक जगह से बराबर निकालेंगे तो एकदम सॉफ्टली निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे करते करते पूरे चेहरे को, पूरे चेहरे पर से आप अपने मास्क निकालिए। आप उसके बाद अपने पूरे फेस को आप